hello students welcome to the second part of the lecture fertilization and development in the previous part we had discussed about events of fertilization and cleavage in this session we will discuss about blastula gastrula embryo formation and parturation so not to waste time let's start next heading is blastula a fluid filled cavity develops inside the morula called blastocyl, and blastomeres arrange themselves around this cavity दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट अब आप यहाँ पर मोरूला का डायग्राम देखिए जो कि पूरा ब्लास्टोमियर्स से फिल्ड अप है अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे जो ये ब्लास्टूला में कन्वर्ट हो जाएगा मोरूला में जो ब्लास्टोमियस हैं वो बाउंड्री पर पेरी पर अरेंज हो जाएंगे जिसकी वजह से बीच में कैविटी डेवलप हो जाएगी इस कैटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील तो जब एक कैविटी मोरूला में डेवलप हो जाएगी सेंट्रल कैविटी ब्लास्टोसील तो इस मोरूला को हम अब ब्लास्टुला कहेंगे अब इस ब्लास्टुला में थोड़े से चेंजेस और आएंगे तो ये फाइनली एक मैच्योर ब्लास्टो सिफ्ट कहलाएगा अब क्या चेंजेस आएंगे वो आप इस डायग्राम में देखिए जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो तो पेरीफेरी पर अटैच हैं कुछ ब्लास्टोमियर्स पेरीफेरी पर अटैच हैं उनको कहा जाता है ट्रोफो ब्लास्ट पिंक कलर से आपके सामने डायग्राम में दिख रहा है कुछ ब्लास्टोमियर्स ऐसे हैं जो कि अंदर की तरफ एक जगह पर एग्रीगेटेड हैं ये कहलाते हैं इनर सेलमास और बीच में येलो कलर से आपको दिख रहा है वो है ब्लास्टोसील तो ये एक फुल डेवलप ब्लास्टोला है जिसको कि हम ब्लास्टोसिफ्ट कहते हैं अब इसी चीज की थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूं द ब्लास्टोसिफ्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स इनर सेल मास प्रोफोब्लास्ट एंड ब्लास्टोसील ये तीनों ही टर्म्स मैंने आपको अभी डायग्राम में एक्सप्लेन किए हैं द इनर इज द इनर क्लस्टर ऑफ ब्लास्टोमियर्स विच इज़ द सोर्स ऑफ एम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स एंड गिव राइज टू ऑल लेटर स्ट्रक्चर्स ऑफ द एडल्ट ऑर्गेनिज्म ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ब्लास्टोसिस का डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें जो इनर सेल मास है क्लस्टर ऑफ ब्लास्टोमियस जो कि ब्लू कलर से आपको कुछ सेल्स दिख रहे हैं यही एम्ब्रियनिक इस्टेम सेल हैं और आगे चल के यही सेल्स पूरा ऑर्गेनिजम बनाएंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है द ट्रोफोब्लास्ट कम्बाइंस विद द मैटरनल एंडोमेट्रियम टू फॉर्म द प्लासेंटा और ये ट्रोफोब्लास्ट बाहर जो बना हुआ है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैच होगा और बनाएगा प्लासेंटा बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक सिक्स टू सेवन डेज अप्रॉक्सीमेटली द ब्लास्टोसिफ्ट इज सुपरफिशली इम्प्लान्ट यानी कि लगभग एक हफ्ते में ये ब्लास्टोसिफ्ट यूट्रस में पहुँच कर इम्प्लान्ट हो जाएगा द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द एंडोमेट्रियम आर कॉल्ड सेंसीटियो ट्रोफोब्लास्ट वाइल द रिमेनिंग ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर कॉल्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट देखिए आप जो डायग्राम दिख रहा है आपको ब्लास्टोसिस का इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट का वो हिस्सा है वो सेल्स जो कि एंडोमेट्रियम से डायरेक्टली अटैच हैं वो कहलाते हैं सिंसीटियो ट्रोफोब्लास्ट और बाकी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं जो कि चारों तरफ आपको दिख रहे हैं वो कहलाते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट यानी ट्रोफोब्लास्ट के वो सेल्स जो कि यूट्रस की, की एंडोमेट्रियम से डायरेक्टली अटैच हैं वो हैं सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट और जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अटैच नहीं हैं वो कहलाते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट नेक्स्ट हेडिंग इज गैफ्ट्रोला गैफ्ट्रोलेशन रिजल्ट्स इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स नेमली एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म अभी मैंने आपको ब्लास्टो सिफ्ट में बताया कि इसमें इनर सेल मास प्रेजेंट होता है और यही इनर सेल मास पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो फिर गैस्ट्रोला में क्या होता है गैस्ट्रोला में ये जो इनर सेल मास है ये तीन अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होता है एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म तो गैस्ट्रोलेशन क्या है गैस्ट्रोलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनर सेल मास के जो सेल्स हैं वो थ्री जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगे और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के बनते हैं वही आगे लिखा हुआ है ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द एमबीओ आर फॉर्म फॉर्म दीज लेयर्स हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो इन्हीं तीनों लेयर से बनते हैं नाउ एट द लेवल ऑफ क्लास ट्वेल्थ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लर्न एंड मेमोराइज़ के एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म से हमारी बॉडी के कौन से पार्ट कौन से सिस्टम बनते हैं तो सब तो आप नहीं याद कर सकते बड़ा मुश्किल है आपके लिए और फिर इतने पूछे भी नहीं जाते हैं तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है आपके सामने इस चार्ट में मोस्टली उतनी ही चीजें लिखी हुई हैं जितनी की पूछी जाती हैं ट्वेल्थ क्लास में या नीट के एग्जाम में सिर्फ वही सिस्टम्स या ग्लैंड लिखे हुए हैं जो कि पूछे जाएंगे और एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी इसमें नहीं लिखा है तो कोशिश करिएगा आप इसको मेमोराइज़ करने की मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि एक्टोडर्म से कौन सा सिस्टम बनता है मीजोडॉम से कौन सा सिस्टम बनता है ये मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ आपको याद नहीं करा सकता हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही कम पार्ट्स लिखे हुए हैं जो कि जनरली नीट के एग्ज़ाम में या क्लास ट्वेल्थ में पूछे जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेंस और फीटल मेमब्रेंस आर फॉर्म्ड ऑफ ट्रोफोब्लास्ट द एमब्रियो ऑफ ह्यूम हैव फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन द एमरीओन योक्सैक् कोरियन एंड एलेंटॉइस ब्लास्टोसिस में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बाहर के सेल्स होते हैं उनको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और इसी ट्रोफोब्लास्ट से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फीटर मेम्ब्रेन बनती हैं और ह्यूमन एम्ब्रियो में चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं तो so एक एक करके पढ़ते हैं द फर्स्ट वन एमनियन इट इज डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल्स द स्पेस बिटवीन एमनियन एंड फीटस इज कॉल्ड द एमनियोटिक कैविटी फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूड देखिए जो पहली लेयर है एमनियन इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं और इसी एमनियन के अंदर फीटस प्रेजेंट होता है आप डायग्राम देखिए एमनियन के सेंटर में फीटस प्रेजेंट है और चारों तरफ इसके जो कैविटी है यानी एमनियन और फीटस के बीच में जो खाली जगह है इसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूड प्रेजेंट होता है नाउ द फंक्शन ऑफ दिस फ्लूड द एम्ब्रियो इज फुली इमर्व्ड इन द एमनियोटिक फ्लूड विच सर्व्ज एज अ शॉक एब्जॉर्बर एम्ब्रियो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये एमनियोटिक फ्लूड में पूरी तरह से इमर्ज है और जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है सेकेंड मेम्ब्रेन इज कोरियन इट फॉर्म्स द प्लासेंटा अलॉन्ग विद द एलेंटवाइस कोरियन एलेंटोइस से मिलकर प्लासेंटा बनाता है प्लासेंटा क्या होता है ये अभी हम अगली हेडिंग में पढ़ेंगे इट पार्टिसिपेट्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द आउटसाइड एयर एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो ये कोरियन जिसने कि एलेंटोइस के साथ मिल के प्लासेंटा बनाया है और यही प्लासेंटा अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज में और फूड में नरिशमेंट में एम्ब्रियो के हेल्प करता है थर्ड मेम्ब्रेन इज एलेंटॉइस इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ द मैच्योर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी एलेंटॉइज से ही आगे चल के अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज प्राइमरिल इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन एंड इज वेब्ड विद ब्लड वेसल्स ये जो एलेंटॉइस है ये इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में ये फंक्शंस पूछे जाते हैं याद रखिएगा किस मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है तो ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड द लास्ट वन इज योग इन मैमल्स योग सैक बिगिंस टू फॉर्म अर्ली ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन यानी कि योग सैक मैमल्स में गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत में ही बनना शुरू हो जाता है एज कंपेयर टू द योग ऑफ बर्ड्स द मेमलियन योग सैक इज नॉट फिल्ड विद योग एज अ न्यूट्रेटिव मटीरियल बिकॉज इन मैमल्स द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन इज़ परफॉर्म बाय द प्लासेंटा योग सैक अगर बर्ड्स का कंपेयर करें तो मैमरियन योग सैक काफ़ी छोटा होता है और उसमें योग प्रेजेंट नहीं होता है बर्ड्स के सैक में योग प्रेजेंट होता है एज अ न्यूट्रिटिव मटीरियल मैमल्स में ये इसलिए नहीं प्रेजेंट होता है कि मैमल्स को प्लासेंटा से डायरेक्ट फूड सप्लाई मिलती है मदर बॉडी से प्लासेंटा डायरेक्टली अटैच होता है और मदर की बॉडी से डायरेक्ट उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता रहता है बर्ड्स में चूंकि डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है इसलिए योग काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रेटिव मटीरियल इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूड द विटेन फ्लूड विच पॉसिबली में बी यूटिलाइज फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस मैमल्स में जो योग सैक होता है इट इज़ फिल्ड विद विटेलाइन फ्लूड इस वेट लाइन फ्लूट का काम होता है ये एम्ब्रियो को तब तक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है अर्ली स्टेजेस में जिस वक्त तक प्लासेंटा अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं शुरू कर देता है इन मैमल्स द सैक फंक्शन एज द साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन अनटिल अबाउट द सिक्स वीक वेन द लीवर टेक्स ओवर दिस रोल मैमल्स में जो योग सैक का एक्चुअल काम है वो है ब्लड सेल का फॉर्मेशन आर बी सी डब्ल्यू बी सी वगैरह जो बनते हैं वो योग सैक में शुरुआत में बनते हैं सिक्स वीक तक उसके बाद फिर ये फंक्शन लीवर टेक ओवर कर लेता है फिर उसके बाद बोन्स बन जाएंगे तो ये बोन मैरो में जो है आर वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे तो शुरुआत में जो ब्लड सेल्स बनते हैं मैमल्स में वो पहले योग सेक बनते हैं उसके बाद लीवर में बनते हैं और फिर फाइनली बोन से बनते हैं देर आफ्टर द योग सैक स्टार्ट्स टू श्रिंक यानी कि लीवर बनने के बाद छः हफ्ते के बाद जब लीवर बन जाएगा और योग सैक का फंक्शन लीवर टेक ओवर कर लेगा तो योग सैक श्रिंक कर जाएगा और इसका काम खत्म हो जाएगा नेक्स्ट हेडिंग इज प्लासेंटा इन ह्यूमंस द एग हैज नो रिजर्व फूड मटीरियल एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द मदर फॉर इट्स नरिशमेंट ह्यूमंस में एग में कोई रिजर्व फूड नहीं होता है योग प्रेजेंट नहीं होता है तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो कम्प्लीटली मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने नरिशमेंट के लिए सो द एम्ब्रियो गेट्स अटैच टू द यूट्रीन वॉल एंड ऑपटेन्स नरिशमेंट अंटिल बर्थ तो इसलिए एम्ब्रियो जो है वो यूट्रीन की वॉल यानी यूटरस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम उससे अपने आप को अटैच कर लेता है ताकि उसको मदर की बॉडी से नरिशमेंट मिलता रहे दिस ऑर्गेनिक कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूट्रीन वॉल इज कॉल्ड एज प्लासेंटा विच डेवलप्स एट द पॉइंट ऑफ इम्प्लांटेशन तो ये जो कनेक्शन है फीटस का और यूट्रीन वॉल का इसको हम बोलते हैं प्लासेंटा जो कि इम्प्लांटेशन की, की साइट से यानी जिस जगह पे इम्प्लांटेशन हुआ है उसी जगह पे ये प्लासेंटा डेवलप होना शुरू होता है अब ये प्लासेंटा कैसे बनता है इसको हम पढ़ेंगे द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट इन टू एन आउटर एंड इनर लेयर ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जो कि यूट्रस में डायरेक्ट एंडोमेट्रियम के कॉन्टैक्ट में हैं जिसको कि मैंने आपको बताया था सेंसीटियो टोफोब्लास कहते हैं ये दो लेयर में डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे आउटर और इनर तो जो आउटर लेयर है आउटर का मतलब टुवर्ड्स द यूट्रस एंडोमेट्रियम की तरफ आप डायग्राम देखिए जो आउटर लेयर है ठीक है एंडोमेट्रियम की तरफ ये आउटर लेयर जो है वो कोरियन में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक ये आउटर लेयर कोरियन में कन्वर्ट हो जाएगी और इस कोरियन में कोरियोनिक विलाई निकल आएंगी विलाई निकल आएंगी तो ताकि यूट्रस की एंडोमेट्रियम से ये विलाई अपने आप को अटैच कर सकें नेक्स्ट लाइन देखिए द आउटर लेयर इज कॉल्ड द कोरियन एंड फॉर्म्स द कोरियोनिक विलाई विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट ग्रो इन टू द एंडोमेट्रियम यही चीज़ मैंने आपको बताई अभी डायग्राम में भी आप देखिए जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास की उसी को मैंने कहा कोरियन कहलाती है जिसमें कि कोरियोनिक विलाई यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप हो जाते हैं जो कि एंडोमेट्रियम में अच्छे से अटैच होने के लिए होती है ताकि एंडोमेट्रियम से नरिशमेंट ऑप्टेन कर सके एन इंटीमेट कनेक्शन इज इस्टैब्लिश्ड बिटवीन द कोरियोनिक विलाई एंड द यूट्रीन टिश्यूज कॉल्ड डैस प्लासेंटा ये जो कनेक्शन है कोरियोनिक विलाई का और यूट्रस के टिश्यूज़ का इसी को कहा जाता है पलासेंटा द एलेंटॉइज गिव राइफ टू अम्बेलिकल कॉर्ड विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग फीटस एंड प्लाेंटा एलेंटॉइज का फंक्शन भी मैंने अभी आपको बताया था कि ये अम्बेलिकल कॉर्ड बनाएगा जिसमें कि ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि फीटस और प्लासेंटा को आपस में कनेक्ट करती हैं सिंस द प्लासेंटा इज फॉर्म्ड ओनली आफ्टर एम्पलान्टशन दैट इज आफ्टर एट टू टेन डेज सो बिफोर इम्प्लान्टेशन द एम्ब्रियो एक्चुअली ब्लास्टोसिस्ट इज़ नरिश बाय सिक्रीशन ऑफ यूट्रीन ग्लैंड कॉल द यूट्रीन मिल्क अब ये जो प्लासेंटा बनता है ये इम्प्लानशन के बाद बनता है और इम्प्लान्टशन कब होता है लगभग एक हफ्ते के बाद तो इम्प्लान्टशन से पहले इस एम्ब्रियो का जो कि ब्लास्टोसिफ्ट होता है उस समय इस एम्ब्रियो का नरिशमेंट कौन करता है इस एम्ब्रियो का नरिशमेंट यूट्रीन ग्लैंड से होता है यूट्रीन ग्लैंड यानी यूट्रस के जो सेल्स होते हैं वो यूट्रीन मिल्क नाम का एक सब्सटेंस सिक्रिएट करते हैं और वो यूट्रीन मिल्क इस एम्ब्रियो का नरिशमेंट करता है तो प्लासेंटा बनता है फीटल टिश्यूज से और मैटरनल टिश्यू से मिलकर यानी प्लासेंटा में फ़ीटल और मैटरनल टिश्यूज दोनों प्रेजेंट होते हैं तो अब हम पढ़ेंगे प्लासेंटा में फ़ीटल लेयर्स कौन सी होती हैं और मैटरनल लेयर कौन सी होती हैं तो फ़ीटल लेयर्स देखते हैं फ़ीटल लेयर्स में पहली है फ़ीटल ब्लड कैपिलरीज सेकेंड इज फीटल कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड फ़ीटल कोरियोनिक एपीथीलियम डायग्राम में आप देखिए आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर फीटल ब्लड कैपिलरीज है फिर उसके बाद फ़ीटल कनेक्टिव टिश्यू है और फिर फीटल कोरियोनिकपीथीलियम है फिर उसके बाद आ जाता है मैटरनल लेयर फीटल कोरियोनिक एपीथीलीम के जस्ट बाद आ जाती है मैटरनल लेयर यूट्रीन अपीथीलीम यूट्रीन कनेक्टिव टिश्यू और मैटरनल ब्लड कैपिलरीज यानी ओवरऑल प्लासेंटा में छः बैरियर्स सिक्स बैरियर्स आर प्रेजेंट। तीन फीटल बैरियर्स होते हैं और तीन मैटर्नल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं बैरियर्स को क्रॉस करके रेस्पिरेटरी गैसेस और जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो मैटरनल बॉडी से फीटस की तरफ आता है नाउ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ दीज लेयर्स प्लासेंटा इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स नंबर वन एपिथीलियोकोरियल इट इज़ द मोस्ट टाइप ऑफ प्लासेंटा विद ऑल द सिक्स बैरियर प्रेजेंट बिटवीन फीटल एंड मैटरनल ब्लड ये सबसे प्रिमेटिव टाइप का प्लासेंटा है एपिथीलियो कोरियर जिसमें कि फीटल लेयर की भी तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और मैटरनल लेयर की भी तीनों बैरियर प्रेजेंट है। होते हैं यानी पूरे सिक्स बैरियर इसमें प्रेजेंट होते हैं एग्जाम्पल इसका है कंगारू पिग और हॉर्स सेकेंड इज सिंडेसमो द कोरियोनिक विलई एरोड द यूट्रीन वॉल एंड सो द दूट्रीन एपिथीलियम इज रप्चर्ड विद ओनली फाइव बैरियर्स लेफ्ट जो फीटल लेयर का लास्ट पार्ट है डायग्राम आप देखिए फीटल लेयर का जो लास्ट पार्ट है फीटल कोरियोनिक एपीथीलियम तो इससे बनती है कोरियोनिक विलाई तो ये जो कोरियोनिक विलाई है ये यूट्रीन एपिथीलियम जो इसके जस्ट बाद आता है डायग्राम देखिए आप फीटल कोरियोनिक एपिथीलियम के जस्ट बाद आता है यूट्रीन एपिथीलियम तो ये जो फीटल कोरियोनिक एपिथीलियम है इससे बनती है कोरियोनिक विलाई जो कि यूट्रस से अटैच होती हैं तो ये कोरियोनिक विलाई यूट्रीन वॉल को इरोड कर देती हैं जिसकी वजह से यूट्रीन एपिथीलियम रप्चर हो जाता है तो यूट्रीन एपिथीलियम रप्चर हो जाएगा तो ओवरऑल सिर्फ पांच बैरियर्स बचेंगे सिंडेसमो कोरियल में इसका एग्जाम्पल है शीप और काऊ मोस्टली रुमिनेंट्स नेक्स्ट इज एंडोथीलियो कोरियल द कोरियोनिक विलाई इरोड नॉट ओनली द यूट्रीन एपीथीलियम बट ऑल्सो द यूट्रीन कनेक्टिव टिश्यू विद ओनली फोर बैरियर्स लेफ्ट ठीक है सिंड डेसमो कोरियल है मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कोरियोनिक विलाई हैं वो सिर्फ यूट्रीन एपीथीलीम को रप्चर करेंगी लेकिन एंडोथीलियल में जो कोरियोनिक विलाई है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं कि वो यूट्रीन एपीथीलीम के साथ यूट्रीन कनेक्टेड टिश्यू को भी रप्चर कर देती हैं तो ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ चार बैरियर बचते हैं इसके एग्जांपल हैं लायन टाइगर डॉग मोस्टली जो कार्नी होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं अच्छा यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो सबसे पहला था एपीथीलियो कोरियर उसमें तो मैंने बताया था छः बैरियर हैं पूरे पूरे फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक बैरियर कम होता जा रहा है और वो कम किस वजह से हो रहा है कोरियोनिक विलाई जो है वो यूट्रस में यानी यूट्रीन एपीथीलीम को रप्चर करके अंदर तक यूट्रस के अंदर तक अटैच होती चली जा रही है और एपीथीलियो कोरियल जिसमें कि सारे बैरियर्स प्रेजेंट थे उसमें कोरियोनिक विलाई उतनी डेवलप नहीं थी तो सिंडेसमोकोरियल या इसके बाद जो एंडोथीलियो कोरियल है जिसमें कि कोरियोनिक विलाई डेवलप करती चली जा रही है तो ये एक एडवांसमेंट है जो कि एक एडवांटेज देता है एम्ब्रियो को कि प्लासेंटा जो है वो टाइटली यूट्रस से अटैच होता चला जा रहा है नेक्स्ट इज हेमोकोरियल हेयर ऑल द थ्री लेयर्स ऑफ मैटरनल पार्ट आर इरोडिड सो द प्लासेंटा इज लेफ्ट विद थ्री बैरियर्स ओनली यहाँ पर कोरियोनिक विलाई इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं कि यूट्रीन पार्ट यानी कि जो मैटरनल पार्ट है उसकी तीनों लेयर्स इरोड हो जाती हैं तो प्लासेंटा में सिर्फ तीन बैरियर्स बचते हैं इसको हम कह सकते हैं ये और टाइट अटैचमेंट है ऑफ द प्लासेंटा विद द यूट्रस ठीक है इसके एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमस और एप्स नाउ द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा फर्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र द प्लासेंटा रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन एंटीबॉडीज़ एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम द मदर्स ब्लड एंड पासिस आउट द वेस्ट प्लासेंटा मदर की बॉडी से क्या क्या रिसीव करता है न्यूट्रिय रिसीव करता है ऑक्सीजन एंटीबॉडीज जो कि मदर की बॉडी बनती हैं और फीटस तक ट्रांसफ़र होती हैं हॉर्मोन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो ये जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब कुछ मदर की बॉडी से फीटस में ट्रांसफ़र करता है और फीटस की बॉडी में जितना भी वेस्ट बनता है वो वापस मदर की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है सेकेंड इज मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी इन एडिशन टू द ट्रांसफ़र ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स, द प्लासेंटा ऑल्सो हैज़ मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी यानी कि गैसेज और न्यूट्रियट्स के ट्रांसफर के अलावा प्लासेंटा के और भी इंपॉर्टेंट रोल हैं अब वो रोल आप देखिए इट प्रड्यूसिस प्रोजेस्ट्रॉन विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेन्टेनिंग द प्रेगनेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है सेकेंड प्लासेंटल लैक्टोजन विच एक्ट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड लिपिड इन द मैटरनल ब्लड यानी प्रेगनेंसी के टाइम में ये प्लासेंटल लैक्टोजन हॉमोन प्लासेंटा से सिक्रीट होता है जो कि मदर की बॉडी में ग्लूकोस और लिपिड का अमाउंट इंक्रीज कर देता है एस्ट्रोजन रिलैक्सिन एंड एच सी जी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ये सभी हॉर्मोन्स प्लासेंटा के थ्रू सिक्रीट और रिलीज होते हैं नेक्स्ट हेडिंग इज पार्ट्योरिशन अबाउट टू सिक्सटी सिक्स डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ह्यूमन इन्फेंट इज बॉर्न यानी कि फर्टिलाइजेशन के टू सिक्सटी सिक्स डेज के बाद जो कि अप्रॉक्सीमेटली नाइन मंथ्स होता है इतने टाइम पीरियड के बाद ह्यूमन इन्फेंट की बर्थ होती है तो ये जो टाइम पीरियड है टू सिक्सटी सिक्स डेज या अप्रॉक्सीमेटली नाइन मंथ इसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ़ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी आर नीडेड टू एक्सपेल द फीटस इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कॉल्ड द लेबर प्रेगनेंसी का टाइम खत्म होने के बाद यूट्रस की वॉल्स में विगरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है ये सारे इवेंट्स कहलाते हैं लेबर दिस प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ फीटस और चाइल्ड बर्थ इस कॉल्ड पार्टुरेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें कि चाइल्ड बर्थ होती है यानी कि डिलीवरी ऑफ फीटस होता है इसी को कहते हैं पार्टुरेशन। द सिग्नल ऑफ पार्ट्योरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फीटस एंड द प्लासेंटा विच इंड्यूसेज माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स देखिए सबसे पहले जो पार्ट्योरेशन का सिग्नल आता है वो कहाँ से आता है सबसे पहला सिग्नल फीटस और प्लासेंटा की तरफ से आता है जो कि यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड का मतलब होता है बहुत हल्का तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करता है जिसको कि कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स तो ये पार्ट्योरेशन की शुरुआत है वेन इट्स टाइम फॉर पार्ट्योरेशन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीड्स ए सी टी एच विच इस्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड टू सिक्रीट इस्टरॉइडस दीज इस्ट्रॉय इस्टिमुलेट द प्लासेंटा टू सिक्रीट प्रोफ्टा ग्लैंड दैट अलॉन्ग विद ऑक्सीटोसेंट कॉस पावरफुल यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन विच लास्ट फ्रॉम टू टू एटीन आर्स पार्ट्यशन का जो सिग्नल स्टार्ट हुआ था वो तो कहलाया था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो कि फीटस और प्लासेंटा ने मिल के शुरू किया था जिसमें कि माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन हुआ था लेकिन अब जब पार्टोरेशन का टाइम आ चुका है तो उस समय पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ए यानी टी एच यानी हॉर्मोन रिलीज़ करेगा ये हार्मोन जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के पास एड्रीनल ग्लैंड अब इस्टरॉयड रिलीज करेगा और ये इस्टराइड प्लासेंटा को इस्टेमलेट करेंगे कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करे सीक्वेंस याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड ए रिलीज करेगा ए एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा एड्रिनल ग्लैंड इफ्टोराइड रिलीज करेगा और ये इफ्टोराइड प्लासेंटा को इस्टेमलेट कर रहे हैं टू सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन और ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन यूट्रस में पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट कराएंगे ये पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन 2 आर से 18 आरस तक चल सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम द सर्विक्स बिकम फुली डाइलेटेड एंड एमनियोटिक सैक रक्चर्स कॉजिंग द बेबी टू एक्सपेल आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल कॉल्ड पार्टोरिशन तो ये जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हुए थे इसकी वजह से सर्विक्स फुली डायलेट हो जाएगा एमनियोटिक सैक रप्चर हो जाएगा जिसकी वजह से जो बेबी है वो बर्थ कैनाल से एक्सपेल होकर बॉडी के बाहर आ जाएगा और इसी को कहते हैं चाइल्ड बर्थ या पार्ट्योरेशन लेबर कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय इंजेक्टिंग ऑक्सीटोसिन और प्रोफ्टाग्लैंड इन टू द वेजाइना ये उस केस में होता है जब फीमेल में पार्ट्यशन के टाइम पर ऑक्सीटोसिन और प्रोफ्टाग्लैंड हार्मोन का लेवल नॉर्मल से डाउन होता है तो उस समय ऑक्सीटोसिन और प्रोफ्टाग्लैंडिन के इंजेक्शन आर्टिफिशियली लगाए जाते हैं वेजाइना में जिसकी वजह से लेबर आर्टिफिशियली इंड्यूस कराया जा सके नेक्स्ट हेडिंग इज लैक्टेशन। द प्रोडक्शन एंड रिलीज़ ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टेशन मिल्क का प्रोडक्शन होना और उसका रिलीज़ होना ये दोनों ही प्रोसेस को मिलाकर लैक्टेशन कहते हैं इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ये जो प्रोलैक्टिन है जो कि एंटीरियर पेटरी से रिलीज हो रहा है वही हार्मोन इस लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एक्ट डायरेक्टली ऑन मैमरी ग्लैंड टू ब्रॉक देयर स्टिमुलेशन बाय प्रोलैक्टिन अगर किसी फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल हाई है तो ये एस्ट्रोजन मैमरी ग्लैंड पर डायरेक्ट एक्ट करेगा और प्रोलैक्टिन का स्टिमुलेशन ब्लॉक कर देगा यानी अगर एस्ट्रोजन लेवल हाई है तो मेमोरी ग्लैंड पर प्रोलैक्टिन असर नहीं कर पाएगा और लैक्टेशन डाउन हो जाएगा इनिशियली फॉर द फर्स्ट टू थ्री डेज द मदर प्रोड्यूस अ थिक येलोइश हाई प्रोटीन फ्लूड कॉल्ड कोलेस्ट्रम विच कंटेन्स अबंडेंट मैटरनल एंटीबॉडीज एंड देयर फोर स्ट्रेंथन द बेबीज इम्यून सिस्टम शुरुआत के दो तीन दिनों में जो मदर की बॉडी से मिल्क रिलीज़ होता है उसको कोलेस्ट्रोम कहते हैं जो कि थिक होता है काफ़ी गाढ़ा होता है येलो कलर का होता है प्रोटीन इसमें बहुत सारे होते हैं एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से बेबी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग हाईली रिकमेंडेड है सो हियर वी कम टू एंड ऑफ दिस लेक्चर इस लेक्चर के साथ इस टॉपिक के साथ ये जो चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो भी कम्प्लीट हो गया है पहले के जो लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स प्ले में अवेलेबल हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं प्ले में और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज हैं कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन जेनेटिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास ट्वेल्थ सो स्टेट थैंक यू